फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की। भले आप मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडल डिपार्टमेंट से के स्टूडेंट हो, या पुणे यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस ओपन लर्निंग में हो, या आप यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अगर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे एग्जामिनेशन के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। उदय सामंत सर जब भी लाइव सेशन लेते हैं वो फाइनल सेमेस्टर की बात करते हैं, लेकिन आइडल के बारे में कोई सर्कुलर आता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी गई है ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन आइडल के बारे में तो डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आइडल का एग्जाम कैंसिल होगा तो उसके बारे में आइडल डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है। तो उसी बारे में लोकसत्ता में एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल क्या कहता है, ये ऐसा समय चल रहा है जहां पर आपको बिना एग्जाम के आपको डिग्री दे दी जाए, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। मेन चीज क्या है कि परीक्षा रद्द के लिए मूल्यांकन बिना पदवी देना सी वेड, यानी अगर आइडल के स्टूडेंट को या डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन के बिना अगर हम डिग्री दे देते हैं तो क्या उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है रेगुलर से, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है इसमें कि अब तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किसी भी तरीके का ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज नहीं किया है, जिस वजह से यूनिवर्सिटीज के पास या आइडल डिपार्टमेंट के पास ये क्वेश्चन रेज होता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए उनकी डिग्री उनके हाथ में दी जाएगी क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी पता है रेगुलर स्टूडेंट का इंटरनल इवैल्यूएशन लेना पॉसिबल है। दूसरा, उनको ऑन एन एवरेज एग्जामिनेशन देना भी पॉसिबल है, ऑन एन एवरेज उनको मार्किंग सिस्टम देना भी पॉसिबल है। और उनको ये भी कहा गया कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट टेस्ट भी दे सकते हो। आइडल के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो आइडल का पेपर पैटर्न होता है या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसमें सेमेस्टर्स नहीं होते, हमारा एनुअल बेसिस होता है। दूसरा, कि अगर ऑन एन एवरेज की बात की जाएगी तो सेमेस्टर में कैसा है, सेमेस्टर सिक्स के एग्जामिनेशन अगर आपके कैंसिल है तो सेमेस्टर फाइव तक के बेसिस पर ऑन एन एवरेज के बेसिस पर आपको मार्क्स दिया जा सकता है। लेकिन अगर आइडल में ये चीज अप्लाई की जाए तो आपका पहले दो सेमेस्टर के ऑन एन एवरेज निकाला तो थर्ड ईयर की पढ़ाई करके हमें क्या फायदा मिलेगा। उसके अलावा पहले यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उनके लिए भी बड़ा क्वेश्चन है कि आइडल ने सर्कुलर रिलीज किया कि फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने के बाद आपको चार महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि रेगुलर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप प्रमोट कर रहे हो तो आइडल के स्टूडेंट के साथ ऐसा इस तरीके का इनजस्टिस क्यों, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर ठीक है तो अगर फाइल तो इसके बारे में भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसके बाद तभी पदवी समान है, यानी इसका मतलब क्या, रेगुलर अगर कोई बच्चा कॉलेज से अगर डिग्री कर रहा है तो उसकी वैल्यू और आइडल की वैल्यू दोनों सेम होती थी, लेकिन इन सिनेरियोस में क्या वो सेम होगी, क्योंकि अगर रेगुलर का स्टूडेंट है, रेगुलर का स्टूडेंट होने के बाद अगर उसको सेमेस्टर सिक्स में पास कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, तो अगर आइडल में इस तरीके का अप्लाई होगा या बिना एग्जाम होगा ही नहीं या एग्जाम, तो किस तरीके से, तो उसकी जो वैल्यू होगी क्या वो सेम होगी। दूसरी चीज, रेगुलर स्टूडेंट में इंटरनल इवैल्यूएशन लेना पॉसिबल है, वही चीज यहाँ पर किया गया है, तो आइडल के बारे में क्या, तो ये सारी चीजें है कि भाई हमारा इंटरनल इवैल्यूएशन नहीं होगा तो हमारे पास एग्जामिनेशन का वैल्यू कैसा होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, हमारे एग्जाम के होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजों के क्वेश्चंस है जो अब तक किसी भी ऑफिशियल ने आंसर नहीं दिया है। अब ये सही टाइम में लोगों को सामने आना पड़ेगा, आइडल के ऑफिशियल को सामने आना पड़ेगा और उन्हें स्टेटमेंट देना होगा कि वो आइडल स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे डॉक्टर दिनेश ने एक स्टेटमेंट दिया है, यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ है उन्होंने क्या कहा, नॉर्मली सारे आइडल के स्टूडेंट का यही है कि आइडल के एग्जामिनेशन रेगुलर एग्जामिनेशन के बाद होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक सरकार का कोई निर्णय नहीं आएगा लिखित तौर पर, जब तक कोई ऑफिशियल का रिटर्न सर्कुलर नहीं आएगा तब तक आइडल डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन कमेटी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें इस समय पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो उदय सामंत सर ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज करेंगे जिससे रेगुलर स्टूडेंट को मदद मिलेगी और उसी सर्कुलर को बेस बनाकर आइडल डिपार्टमेंट भी स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन ले, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।